हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। तो नमस्कार। आज बताएं क्या पढ़ाएं आपको। मैम, पूर्व पुण्यो एंड भाग्य, इसको कैसा मैच करके देखते हैं कुंडली से? अच्छा हाँ, हमने आज पूर्व पुण्य कर्म की बात की थी कि इसको हाँ, देखेंगे, तो कैसे और देखेंगे? भाग्य, तो हम इसे हर भाव से देख सकते हैं, हर भाव का पुण्य कर्म भी देख सकते हैं, और हर भाव से भाग्य भी। और वो कैसे काम करता है ये भी आपको क्लियरली मेंशन होता है। इसके लिए मैं एक चार्ट ले लेती हूँ। ये हमारा बर्थ चार्ट में भी देख सकते हैं, और हम अपने इस कर्म को, हालांकि ये D1 में ही क्लियरली दिखा देता है, फिर भी हम और अच्छे से देखने के लिए D10 या D9 भी ट्राई कर सकते हैं, परंतु मुझे लगता है D1 में ही आपको ज्यादा अच्छे से पूर्व पुण्य कर्म दिखते हैं, क्योंकि D1 आपका वो चार्ट है जो आपके जन्म के बाद आता है। ठीक है, तो हमारा पूर्व पुण्य कर्म का भाव कौन सा है बताएं? पृथ्वी, पंचम पितृ, भाव। पंचम पंचम। भाव, और भाग्य नवम नवम भाव, भाव। नवम भाव। अब हमारे पूर्व पुण्य कर्म का भाग्य क्या भाव होगा? ये तो कुंडली का भाग्य उसे हो गया नवम। सेकंड हाउस, ना 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 ना, नाइन्थ, पंचम, पंचम से नवम, नवम यानी भाग्य। जब हम जन्म लेते हैं तो भी हमारा पूर्व पुण्य कर्म, वो हमारा कर्म पिछले जन्म का कोई पुण्य कर्म होता है जिसके कारण से हम जन्म लेते हैं। हमारा जब जन्म होता है तो पूर्व पुण्य कर्म हमारा उदय हो जाता है, जिससे हमारा पंचम, जो हमारे पिता का भाव है, भाग्य का भाव है, ये हमारे पिता का पूर्व पुण्य कर्म से हमारा भाग्य बनाता है। ठीक है, किसी भी ठीक संतान के टाइम रेक्टिफिकेशन में हम अगर देखें, वो 1, 5, 9 के ग्रहों का या उनके स्वामियों का संबंध संतान के 1, 5, 9 में बैठे ग्रहों या उनके स्वामियों से अवश्य होगा, ये पक्का है। तो पूर्व पुण्य कर्म पंचम भाव से भाग्य आपका जगाता है, तो आपकी जन्म होता है। ऐसे ही आपका सिक्स्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस जहां से आपकी नौकरी की यात्रा आरंभ होती है, कंपटीशन होता है, आपने पूर्व पुण्य का कुछ रोग रिपु ऋण भी होते हैं जो आपने देने हैं। इसे ऋण का भाव जो माना जाता है कि हमने किसी का कुछ देना है, इस लाइफ में चुकाना है। तो ये अर्थ त्रिकोण का भाव, और यहां से पूर्व पुण्य कर्म पंचम भाव आपका दशम भाव बन जाता, यानी पूर्व पुण्य कर्म का साथ होगा तो आपका भाग्य जगेगा, और आपको परिवार की स्थिति कैसी मिलेगी, आपको संचित धन कैसे मिलेगा, आपको परिवार के संस्कार कैसे मिलेंगे, क्या आपने परिवार का कुछ चुकाना है या परिवार ने आपका चुकाना है, वो भी यहां से पता लगेगा। जैसे इस भाव का रोग रिपु ऋण या चुकाने का अगर देखें, तो इसका भाग्येश सेकंड हाउस, सेकंड हाउस का लॉर्ड पूर्व पुण्य कर्म में आ गया, साथ ही इस कुंडली के पंचम भाव का स्वामी भी आ गया, यहाँ पे दिग्बली हो गया, और ये पूर्व पुण्य कर्म के भाव को देख भी रहा है, साथ ही लगन को भी देख रहा है। मेरा भाग्य मंगल से बहुत प्रबल है, मेरा भाग्य बहुत प्रबल है, पूर्व पुण्य कर्म बहुत बली है, स्ट्रॉन्ग है, और मंगल वक्री होकर है, पंचम देख भी रहा है, और जिस भाव में बैठा है उस भाव के स्वामी को भी देख रहा है, जो कि हमारे सिक्स्थ हाउस का पूर्व पुण्य कर्म है, यानी मेरे पिछले जन्म के कर्म इस जन्म के कर्म के भाव में बैठ गए।
और साथ में मेरे जो सिक्स्थ हाउस है, कंपटीशन का भाव है, वहां भी मेरा पूर्व पुण्य कर्म का भाग्य वो भी वही साथ में आ गया। शनि मंगल साथ हो गए, तो यहाँ पे आपका कर्मा बहुत बली है, स्ट्रॉन्ग, भाग्य बहुत अच्छा है। कर्म तो करवाने में, कंपटीशन में आपको पीछे नहीं जाने देता और आपसे कुछ ना कुछ कर्म कराता है, या कह दो एक्ट कराता है, क्योंकि वाणी यहां बैठी है, वाणी से दृष्ट है। अब सप्तम भाव देखें, सप्तम भाव में राहु बैठा है और इसका पूर्व जन्म के कर्म, जुपिटर शुभ ग्रह बैठा है, वक्री है, इसका भाग्य शुक्र है, जो पूर्व पुण्य कर्म होकर भाग्य में बैठ गया। मुझे पूर्व पुण्य कर्म से विवाह का सुख मिलेगा, विवाह का सुख, मैंने वैवाहिक सुख नहीं कहा है, विवाह का सुख मिलेगा, यानी विवाह हो जाएगा। विवाह का कारक और विवाह का पूर्व पुण्य कर्म का स्वामी मेरे भाग्य में बैठा है, और मेरा भाग्येश मेरे पार्टनर के सुख में आ गया, यानी मेरे पूर्व कर्म के भाग्य में पार्टनर को सुख देना मैंने लिखा है, पार्टनर मेरे कर्म में है, मेरे सुख में। यहां से अगर हम देखें तो पार्टनर का दशमेश बुध जो है, पार्टनर जीवन साथी, वो कुंडली के चतुर्थ में है, डेब्लिटेटेड है, और वो पार्टनर है जो डेब्लिटेटेड है, तो मेरे सुख में आ गया ना, ये तय हो गया कि मैंने पार्टनर को सुख देना है, वो मेरे कर्मा में है। अब अष्टम भाव मोक्ष त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण का देखे, जो यहाँ का पूर्व पुण्य कर्म का स्वामी मोक्ष त्रिकोण का अष्टमेश वहां जाके नीच का हो गया, इसका भाग्य वहां पर भी नीच का बुध बैठा है, और भाग्येश अष्टम से चतुर्थ में बैठा है, तो मेरा मोक्ष त्रिकोण इतना बली नहीं है, लेकिन मैं अष्टमेश क्योंकि डेब्लिटेटेड है, और उसका डेब्लिटेटेड प्लेनेट जो मंगल है वो मेरे भाग्य को देख रहा है, अष्टम के भाग्य को देख, तो मुझे ऑकल्ट साइंस में ले जाएगा, मुझे गहरा ज्ञान देगा, ठीक है, ये ऑकल्ट साइंस में है। और शनि मंगल के कारण लॉयर लॉ भी की है, सक्सेस इतनी नहीं है लेकिन पैसे की कमी नहीं। अब मेरा भाग्य देख ले, तो भाग्य का पूर्व कर्मा मैं खुद ही हूं, जहां पे केतु बैठा है, मेरे भाग्य के पूर्व कर्म में केतु है, मंगल भी देख रहा है, तो मुझे अपने भाग्य का निर्माण इस जन्म में पूर्व कर्म के भाग्य का स्वामी देख रहा है, इस जन्म का भाग्य उसको, मेरे पूर्व जन्म का भाग्य, पूर्व पुण्य कर्म दोनों इस जन्म के कर्म से देख रहे हैं, किंतु मेरे भाग्य के पूर्व पुण्य कर्म में केतु है, तो मैं अपने भाग्य से इस जन्म में पूर्व पुण्य कर्म को इकट्ठा नहीं कर पा रहा, संचित नहीं कर पा, केतु बैठा है, वो कहता है खर्च कर, क्योंकि वहां उसका स्वामी तो लाभ में बैठ गया और लाभेश को देख भी रहा है, और मेरे भाग्य को मेरे धर्म और शिक्षक कहाँ चले गए, मेरे सुख में चले गए, मुझे घर बैठे सुख देंगे, मेरे पिता मेरे शिक्षक मुझे घर बैठे सुख देंगे, क्योंकि वो मेरे पूर्व पुण्य कर्म से मुझे देख रहे हैं, मेरा पूर्व पुण्य कर्म बली है,
हमने ही वो पहले देख लिया। अब 10th हाउस, 10th हाउस का पूर्व पुण्य कर्म फिर से बली, वहां से आ गया शनि लगन में, कर्म के लगन में, और उसका भाग्य वहां से छठे में है। वो मुझे कुछ करने नहीं देता, आराम परस्ती दे देता है। मैं जो कुछ भी करती हूँ उसमें आराम परस्ती आ जाती, क्योंकि कर्म में मुझे संचित परिवार का संचित धन मिल रहा है। मेरे कर्म का जो पूर्व पुण्य कर्म है उसमें परिवार की मर्जी है, परिवार मेरे कर्म में है, और भाग्य जो है वहां से छठे में है, वो प्रयास नहीं करने दे रहा। उसका स्वामी भी शनि है, वो भी वहां प्रयास किए बिना ही मुझे कर्म अच्छा, मेरा भाग्य उदय हो जाता है। क्लियर? मेरा एकादश भाव लाभ, लाभ का पूर्व पुण्य मेरे प्रयास है। प्रयास ये काम त्रिकोण का पूर्व पुण्य और उसका भाग्य अगर हम देखें तो भाग्य में राहु है। लाभ काम त्रिकोण का, लाभ का स्वामी पूर्व पुण्य कर्म में तो बैठा है, किंतु पूर्व पुण्य कर्म का स्वामी लाभ से 12वें में है और उसके पूर्व पुण्य कर्म से 8वें में है। इसी तरीके से पूर्व पुण्य कर्म से भाग्य छठे में है, डेबिलिटेटेड है। तो विवाह का सुख तो मिल गया पर उससे लाभ नहीं मिल रहा, सुख नहीं मिल रहा। सुख पति के दूर रहने में, यहाँ पे उसका लाभ नहीं मिल रहा। 12वां भाव व्यय का है, कोर्ट कचहरी है और रोग भी है, अस्पताल भी। यहां अष्टमेश बैठा है, अष्टम का भाग्य। तो व्यय का हमारा पूर्व पुण्य 4th हाउस और भाग्य भाग्य 8th हाउस। तो मैं तो अपना भाग्य खुद लेके बैठा हूं अपने व्यय, डेबिलिटेटिव। मैं अपने पूर्व पुण्य कर्म को खुद देख लूंगा, क्योंकि मेरे पूर्व पुण्य कर्म कुंडली का वो भी देख रहा है, डेबिलिटेटेड बुध है। मेरा यहाँ का स्वामी मंगल, व्यय का स्वामी मंगल, मेरे खर्चे मेरे कर्म से, पूर्व पुण्य कर्म से और मेरे भाग्य से मुझे मिल जाते हैं। मेरे खर्चे कितने भी बड़े हो, मुझे परिवार से, माता से और पिता से मिल जाते। कोई सवाल, कोई डाउट, कुछ पूछना है? नहीं, समझ में आ गया। समझ में आ गया? तो हमारा हर भाव का एक पुण्य कर्मा है, हर भाव का एक एक भाग्य है। भाग्य है। वहां कौन बैठा है, कैसे आपका भाग्य जगा रहा है, उसकी विवेचना कीजिए तो आपको बहुत कुछ पता लग जाएगा। चाहे दशा हो ना हो, आपका भाग्य काम कर रहा है तो भाग्य से मिल जाएगा। मेरे खर्चे चंद्रमा ऐश्वर्य रहित है, ऐश्वर्य वाले हैं और नक्षत्र भी ज्येष्ठ है, और वो पूर्व पुण्य कर्म से डेबिलिटेटेड है। तो सूर्य बुध आदित्य योग रेवती नक्षत्र खुद के नक्षत्र में, मैं अपनी बुद्धि से अपने खर्चे मैनेज कर ली, अपने परिवार से। मेरे पिता मेरे भाग्य में साथ दे रहे हैं, पिता मेरे सुख में बैठे हैं। सेकेंड हाउस का पिता, सॉरी, वृषभ राशि का पिता, 6ठे भाव का भी जो पिता है वो मेरे कर्मा में है। यानी इसको ये कह सकते हैं कि पिता ने पूर्व जन्म का कुछ अपनी बिटिया को देना है, चुकाना है, और इस लड़की ने अपने पति का कुछ देना है उससे दूर रह के। तो विवाह का सुख है, वैवाहिक सुख उतना नहीं है। पिता को पुत्री का सुख है, लेकिन
पुत्री के लिए सुख का निर्माण करना ये पिता का कर्तव्य। माता डेबिलिटेटेड 12th हाउस में है, माता बीमार रहती है, तो माता का सुख पुत्री को नहीं मिल रहा, लेकिन पुत्री को परिवार में रहकर माता का धन प्राप्त हो रहा है, भाग्य से पैतृक संपत्ति प्राप्त हो रही है खर्च करने के लिए। ठीक है, आई थिंक क्लियर, यस क्लियर यस मैम, यस वेरी क्लियर। हो गया ना?